साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारों ने इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही काम किया है, पहले यहां के किसानों के वोट लिए और फिर इनको खेतों को औने पौने दाम पर अपनों के नाम कर दिया। मनोहर लाल जी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने जमीन की इस बदलर बांड को भी बंद कर दिया और जो इसमें शामिल नजर आते थे उन पर भी शिकंजा कस दिया गया है। भाइयों और बहनों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक और बड़ी बंदर बांट पर लगाम लगाई है। आप सभी तो गवा रहे हैं, पहले गरीबों के हक के राशन के राशन को कैसे लूटा जाता था, स्टॉक खत्म का बोर्ड लगाकर वही अनाज पास के बाजार में पड़ोस की दुकान में बिकता था। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने हरियाणा की 9000 से ज्यादा दुकानों को ऑटोमेशन से जोड़ दिया। आपको हैरानी होगी कि आज तक करोड़ों ऐसे लोग थे जो फर्जी राशन कार्ड पर गरीबों का हक मार लेते थे, ऐसे हर लुटेरे को हमने कागजों से हटा दिया है। साथियों, भाजपा का प्रयास है जो जिसके हक का है वो उसी को मिलना चाहिए और बिना किसी बिचौलिए के मिलना चाहिए। यही कारण है कि आज अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा बैंक खाते में दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अब बैंक खाते में आ रहा है, फसल बीमा पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक में आ रहा है। ईपीएफ हो, पीएफ हो, पेंशन हो, हर सुविधा अब ऑनलाइन है, एक क्लिक पर दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब घर बैठे ये संभव हो पा रहा है। ऐसे अनेक फैसले हैं जो भाजपा की केंद्र और हरियाणा सरकार ने लिए हैं, इससे सामान्य मानव का जीवन भी आसान हो रहा है, बिचौलियों से दलालों से भी मुक्ति मिल रही है, देश का पैसा और समय भी बच रहा है। आपको हैरानी होगी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने पर से ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं।